आजमगढ़ के सरामीर थाना क्षेत्र के परहाम और रंगडी गांव में पुरानी रंजिश के कारण एक गंभीर घटना सामने आई। बीती शाम पड़ोसियों ने 30 वर्षीय युवक गुलशन को पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत को गंभीर स्थिति देखते हुए मंडलीय अस्पताल में रिफर कर दिया गया। गुलशन का इलाज मंडलीय अस्पताल में चल रहा है और अब वह खतरे से बाहर है। पुलिस ने गाँव में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी है। सरामीर थाना क्षेत्र के परहा मऊरंगडी गांव निवासी गुलशन का अपने कुछ पड़ोसियों से भूमि का विवाद चल रहा था, जो अदालत में विचाराधीन है। घटना के दिन गुलशन अपने पड़ोसी गांव में दूध लेने गया था। शाम को करीब 6 बजे वह जब पैदल आ रहा था, तभी उसके विरोधी के दो पक्ष के युवक वहां आ गए। दोनों पक्षों में गाली गलौज और हाथापाई शुरू हुई। इसके बाद विपक्षी ने फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया। पास में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वाला एक व्यक्ति मौजूद था, जिससे पेट्रोल भरा गैलन लेकर उन्होंने गुलशन पर डाल दिया और सिर के पास माचिस की तीली जलाकर उसे आग लगा दी। गुलशन आग का गोला बन गया। परिवार के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई। गुलशन को लेकर परिजन फूलपुर के निजी डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्राथमिक जाँच शुरू कर दी। इस पूरे घटना पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के शरीर का लगभग 30% हिस्सा झुलसा हुआ है, हालांकि वह खतरे से बाहर है। पीड़ित पिता की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जाँच में पता चला है कि घटना से पहले पुराने रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। वादी पक्ष के लोग आरोपियों के घर समझाने गए थे, जहां आवेश में आकर आरोपियों ने पेट्रोल छिड़कने की घटना को अंजाम दिया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ जारी है। फिलहाल 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जाँच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या भैया? सुहास चंद। क्या लगते हैं? पापा। उनका नाम क्या है? गुलशन कुमार। क्या हुआ था? ये लड़कों में झगड़ा हुआ था कुछ जी। तो हुआ था किसी और से जी। और आकर के इसको इसका बड़ा भाई मारने लगा। तो ये देखने के बाद हम लोग उसके घर पहुंचे, मतलब पूछने भाई इसको क्यों मारे। तो उसका बड़ा भाई था और उसका छोटा भाई, उसका एक बाहरी आदमी उसके घर रहता है। उसने क्या किया कि आया तो हम कहे भाई क्यों मारे हमसे, आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं तो इसको क्यों मारे हो। तो उसके बाद उसने हाथ चला दिया इसके ऊपर हाथ। फिर इसको जब मारने लगा तो हम लोग भी मान लो धक्का मुक्की होने लगा। इतने में उसने पेट्रोल उठा करके सबके ऊपर, कई आदमी के ऊपर फेंक दिया था, लेकिन बस जो माचिस की तीली इसके ऊपर फेंका था। तो ये रोड पर जाके छपके लगा और लोग सब बच गए। हम खुद भीग गए थे, आंख में हमारे पड़ गया, पूरा कपड़ा भीग गया था, हमारे भाई को भीग गया था, कई आदमी को भीग गए। अच्छा, ये कौन लोग थे? राय है। नाम क्या है? क्या नाम? अमन राय। रिपोर्ट है, थाने का रिपोर्ट है हमारे पास, सब है। कल दिनांक 17 नवंबर 2024 को थाना सरायमीर पर शाम में लगभग 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया है। इस सूचना पर थाना सरायमीर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जो व्यक्ति जलाया गया था उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। बॉडी पर लगभग 30% पार्ट में बर्न है और खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है, उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर मुकदमा 5 लोगों के विरुद्ध नामजद दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जांच में प्रतीत हो रहा है उसमें घटना से पूर्व कुछ दोनों पक्षों में आपसी रंजिश को और मुकदमेबाजी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके लिए समझाने के लिए जो वादीगण है उसके परिवारजन आरोपी के घर पहुंचे। आरोपी ने आवेश में आकर और गुस्से में पेट्रोल छिड़कने की घटना कारित की है। बाकी सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के घटनास्थल के निकाले जा रहे हैं। जो भी आसपास में साक्षी थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है।
वर्तमान में तीन व्यक्तियों को, नामजद व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके आधार पर जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।